चलिए अमन करते हैं पार्ट टू पर थे ना। भारत में हर क्षेत्र में महिलाओं ने महत्वपूर्ण यादगार उपलब्धियां हासिल की है। इस बिल को लाने से पहले हम थोड़ा सा वुमेन को और आगे लेके जा रहे हैं। वुमेन रिजर्वेशन कितना लिखेंगे, आज फाइन होता है, कंटेंट को कॉल करना आता है, यही तो आर्ट है। और आर्ट क्या है, बिल 2023 का पार्ट सेकंड हमारा रोटेशन पे आ रहा है। क्या कह रहा है देखिए आप, द वुमेन हैव गॉट सिग्निफिकेंट एंड रिकलेक्टेबल अचीवमेंट इन एवरी एवेन्यू ऑफ लाइफ। बड़े आराम से समझते हुए लिखो आप तो, द वीमेन हैव गॉट, द वीमेन हैव गॉट, पर की थर्ड फॉर्म में आप, क्या हासिल किया है इन्होंने, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण एंड यादगार रिकलेक्टेबल, यादगार रिकलेक्टेबल, रिकलेक्टेबल यादगार, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, ये दो चीजें साथ ही लिख लेना क्योंकि हमारे साथ साथ ही चलेगी, पैरेलली चलेगी। द वीमेन हैव गॉट सिग्निफिकेंट एंड रिकलेक्टेबल अचीवमेंट, उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, उपलब्धियां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, इन एवरी एवेन्यूज ऑफ लाइफ, इन एवरी एवेन्यूज, एवेन्यूज ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है। और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, सॉरी, मगर राजनीतिक सशक्तिकरण में महिला नगण्य भूमिका निभाती है। राजनीतिक सशक्तिकरण एक अच्छा वर्ड, पर द वुमेन प्लेज ट्रिवियल रोल इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इसका कंट्राडिक्शन दे रहे हैं हम, बट निभाती है, बट द वीमेन, वर द वीमेन प्ले ट्रिवियल रोल, एक नगण्य भूमिका, ट्रिवियल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राजनीतिक सशक्तिकरण, उसी ने हमने किया था वुमेन सशक्तिकरण, ये भी एक अच्छा वर्ड है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। द वीमेन हैव गॉट सिग्निफिकेंट एंड रिकलेक्टेबल अचीवमेंट इन एवरी एवेन्यूज ऑफ लाइफ, बट द वीमेन प्ले, प्ले आएगा यहाँ पर वीमेन के अकॉर्डिंग, ट्रिवियल रोल, एक नगण्य भूमिका इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद महिला सशक्तिकरण की अवधारणा ने अपनी अहमियत को खो दिया है। वही आ गया, इसकी अवधारणा ने, द कंसेप्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन पॉलिटिक्स, द कंसेप्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एक ही चीज़ है, दोनों कनेक्टेड है, एम्पावरमेंट खोदी हैज आएगा, लॉस्ट, हैज लॉस्ट, क्या खोई है, अपनी अहमियत, इट्स, इट्स पोजीशन लगाएगा, इट्स सिग्निफिकेंस, इट्स सिग्निफिकेंस, ये आपकी नाउन है, सिग्निफिकेंस, अहमियत, हिंदी में बोलेंगे तो महत्वता, उर्दू में बोलेंगे तो अहमियत, और इंग्लिश में बोलेंगे तो सिग्निफिकेंस, ये यूज करना है आपको लगभग लगभग हर ऐसे में, सिग्निफिकेंस, आफ्टर फ्रीडम फाइटिंग, स्वतंत्रता संग्राम के बाद, आफ्टर, क्योंकि वर्चस्व नहीं आया, फ्रीडम फाइटिंग, स्वतंत्रता संग्राम के बाद। और आगे कहते हैं एक अच्छी लाइन, महिला प्रतिनिधि राजनीति बिसात पर खुद को हाशिए पर महसूस किया करती थी, एक अच्छी लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन है, महिला प्रतिनिधि राजनीति की बिसात पर खुद को हाशिए पर महसूस किया करती थी। द वीमेन रिप्रेजेंटेटिव, महिला प्रतिनिधि जितनी भी हैं, बिसात और हाशिया, ये बहुत अच्छे वर्ड हैं, रिप्रेजेंटेटिव, महिला प्रतिनिधि क्या करती थी, हाशिए पर फील किया करती थी, फील किया करती थी को वापस ले जाइए आप यूज टू में, यूज टू फील, कहाँ पर, हाशिए पर, एट मार्जिन, मार्जिन मतलब बिल्कुल लास्ट में, एट मार्जिन, हाशिए पर महसूस किया करती थी, एट मार्जिन, कहाँ पर, राजनीति की बिसात पर,
अच्छा बनाने वाला हिंदी में एट, चेकर, चेकर बोर्ड, एट चेकर बोर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, एट चेकर बोर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, इसको लिख लियो ना, काफ़ी ऐसे में घुमा सकते हो आप, बिसात पर, राजनीति की बिसात पर, प्रोग्रेस की बिसात पर, कुछ भी, एट मार्जिन हाशिए पर, चेकर बोर्ड आपकी बिसात पर। और आगे का पैरा बहुत अच्छा, इसलिए महिलाओं को उनका हक देने के लिए सशक्त राजनीतिक दखल की आवश्यकता है। देर वाज नीड थी सॉरी थी देयर वाज नीड एक बहुत जरूरी नीड देर वाज नीड ऑफ ए रोबस्ट देर वाज नीड ए रोबस्ट इंटरफेयर या इंटरसेप्शन इंटरसेप्शन देर वाज नीड ऑफ ए रोबस्ट इंटरसेप्शन एक बहुत ही मजबूत दखल की जरूरत थी, इंटरसेप्शन की जरूरत थी, काय के लिए, महिलाओं को उनका हक देने के लिए, टू गिव बीड, टू गिव बीड का मतलब हक, अधिकार करेंगे तो राइट, टू गिव बीड टू द वीमेन, टू गिव बीड टू द वीमेन, महिलाओं को उनका हक देने के लिए, इंटरसेप्शन दखल, बीड हक देना। तो देर वाज नीड ऑफ जरूरत थी नीड ऑफ रोबस्ट इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन का मतलब दखल, टू गिव बी टू द वीमेन औरतों को उनका हक देने के लिए। द वीमेन हैव गॉट सिग्निफिकेंट एंड रिकलेक्टेबल अचीवमेंट इन एवरी एवेन्यूज ऑफ लाइफ बट द वीमेन प्ले ट्रिवियल रोल इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट द कंसेप्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट हैज लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस आफ्टर फ्रीडम फाइटिंग फ्रीडम फाइट या फ्रीडम फाइटिंग भी कर सकते हैं आप। द वीमेन रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा सही कर लें रिप्रेजेंटेटिव्स यूज्ड टू फील एट मार्जिन यूज्ड टू फील एट मार्जिन एट चेकर बोर्ड ऑफ पॉलिटिक्स देर वाज नीड ऑफ ए रोबस्ट इंटरसेप्शन टू गिव बीट टू द वीमेन। यहाँ पर उनको हक देने के लिए एक बहुत ही ऐसे हल्के फुल्के नहीं सशक्त बहुत ही मजबूत दखल की जरूरत थी, क्योंकि औरत हाशिए पर थी, हाशिए का मतलब मार्जिन पर थी, उनका ना तो कोई हक था ना कोई अचीवमेंट था ऐसा उनको लगता था और था भी नहीं एक्चुअल में। आगे चलिए, पुरुष राजनीति में सर्वे सर्वा हुआ करते थे। द मेल पॉलिटिशियन कहानी आगे चल रही है, पुरुष राजनेता द मेल पॉलिटिशियन हुआ करते थे, फिर यूज टू को बुलाइए, यूज टू सर्वे सर्वा हुआ करते थे, रूल द रोस्ट एक फ्रेज बुलानी पड़ेगी हमें, रूल द रोस्ट का मतलब हम ही हैं, सर्वे सर्वा रूल द रोस्ट सर्वे सर्वा हुआ करते थे, रूल द रूस्ट हुआ करते थे, सर्वे सर्वा हुआ करते थे, वहाँ पर उनकी चला करती थी, रूल द रूस्ट हुआ करते थे, हेड हुआ करते थे, पैट्रियार्क हुआ करते थे वहाँ पर राजनीति में, रूल द रूस्ट हुआ करते थे राजनीति में वहाँ पर, ये उनके हेड हुआ करते थे। एंड और दूसरा सुन, महिलाओं को उनके इशारों पर नचाया करते थे, एंड दे यूज टू, फिर एक फ्रेज आ रही है बहुत अच्छे से हैंडल करना है, एंड दे यूज टू ट्विस्ट वुमेन अराउंड दियर लिटिल फिगर, दे यूज टू ट्विस्ट द वीमेन अपने इशारों पर अंदर, ट्विस्ट ये थोड़ा सा अच्छी फ्रेज है, ट्विस्ट द वीमेन अराउंड दियर लिटिल फिगर अराउंड दियर लिटिल फिगर अराउंड ट्विस्ट अराउंड द लिटिल फिंगर का मतलब है अपने इशारों पर नचाना, रूल द रूस्ट का मतलब होता है कहीं पर शासन करना, कहीं पर हेड होना। आगे, ग्लोबल जेंडर गैप 2023 के सूची के अनुसार भारत 127वें नंबर है इस गैप में, यानी बहुत पीछे चल रहा है वो। इंडिया हैज 127th रैंक अकॉर्डिंग टू इन दिस मैटर, इंडिया एज रखता है 127th रैंक
इस मामले में 127 जेंडर गैप में यानी महिलाओं का प्रतिनिधि कम है, 127 बहुत पीछे है। 127th रैंक अकॉर्डिंग टू लिस्ट ऑल, इसमें मेंशन करना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू आपको इसका नाम देना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा हमारा डेटा अच्छा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लिस्ट ऑफ ग्लोबल, इसका नाम अच्छे से याद कर लेना, मेंशन करना जरूरी है, महिला के किसी में भी डाल देना, इसलिए वैसे इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2023, उसमें ये कहा कि आप बहुत पीछे हैं, अभी आपका रैंक ही 127वां है, आप बहुत पीछे हैं इस रैंक में, बहुत पीछे चल रहे हैं आप। इंडिया हैज 137 रैंक अकॉर्डिंग टू लिस्ट ऑफ ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 1023, यानी महिला का प्रतिनिधि अभी भी बहुत पीछे चल रहा है। फिर आपने कहा जो अति चिंतनीय और विचारणीय विषय है, विच से जोड़ दो, जो अति चिंतनीय है और विचारणीय विषय है, विच इज अति चिंतनीय, विच इज एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब अति चिंतनीय है, कंसर्न एंड पॉन्डरेबल सब्जेक्ट, कंसर्न यानी चिंतनीय है, एंड विचारणीय है, पॉन्डरेबल साथ जोड़ देंगे आप, पॉन्डरेबल इशू। आगे चलिए, राजनीतिक दल अत्यधिक पितृसत्तात्मक होते हैं, जहां औरतों का अस्तित्व मूक दर्शक के समान होता है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज आर एक्सेसिव, EXEWSIV, एक्सेसिव पितृसत्तात्मक, एक अच्छा वर्ड, पैट्री पैट्रीआर्कल, बहुत ही खूबसूरत वर्ड, पितृसत्तात्मक, पैट्रीआर्कल पितृसत्तात्मक होते हैं। वेयर विमेन्स एग्जिस्टेंस अकिन टू एब्यूज स्पेक्टर, वेयर वुमेन्स एग्जिस्टेंस इज अकिन टू, के जैसा होता है, अकिन टू ए म्यूट स्पेक्टर, एक बेजुबान दर्शक के समान होता है, म्यूट स्पेक्टर के समान होता है। आगे देखिए, मेंशन जो पंचायत राज में जा रहा है, इसको शो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से वुमेन रिजर्वेशन बिल 2030 का आगाज हुआ है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में आरक्षण के कारण देश के शासन में अविश्वसनीय और अतुलनीय बदलाव हुआ है, बहुत अच्छे से मेंशन कर रहे हैं। 73 और 74 को भी अपन ने इसमें मेंशन कर दिया, और हमारा जिसे कहते हैं आगे का इसका धरातल भी हमने तैयार कर दिया। अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अतुलनीय, इनडोमिटेबल, इन दोनों वर्ड से अच्छी दोस्ती कर लेना, क्योंकि लगभग लगभग घूमेंगे हर जगह। इनक्रेडिबल और इनडोमिटेबल चेंजेस हुए हैं, पैसिव वॉइस में जाना है आपको, चेंजेस हैव बीन हैपन्ड, वजह को लेकर आओ, हुए हैं वो तो अपने शो कर दिया कि साहब हुए हैं, काहे के कारण, बहुत आराम से, ड्यू टू रिजर्वेशन इन पंचायत, हमें इसका लीगल पॉइंट भी डालना है, ड्यू टू रिजर्वेशंस इन पंचायत, रिजर्वेशंस इन पंचायत किसके अंतर्गत, अंडर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वह इसमें आप मेंशन कर देंगे, अंडर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये मेंशन करना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। 73वें और 74वें संविधान संशोधन में पंचायती राज को सशक्त बनाया गया था, उसी का बेस बनाया इस रूल ने, कि वो नहीं आता तो ये कभी नहीं आता। वहां पर जब पंचायती राज पर बदलाव देखा, ट्रिमिडस चेंज देखा, पॉलिटिकल चेंज देखा, तो इनको लगा कि यहाँ पर भी किया जा सकता है। देखिए आप, लेकिन इसमें हमने एक थोड़ा सा कंट्राडिक्शन किया, हालांकि ऐसी शासन व्यवस्थाओं में महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज का रबर स्टाम्प के रूप में काम किया है,
ऑल्दो वीमेन हैव, यानी सरपंच अनपढ़ है, ऑल्दो वीमेन हैव वर्कड एज पति वो अनपढ़ है, पत्नी अनपढ़ है, पति काम कर रहा है, वर्कड एज रबर स्टाम्प, वर्क एज रबर स्टाम्प की तरह काम किया, रबर स्टाम्प ऑफ द ईयर, रबर स्टाम्प की तरह काम किया इन्होंने, ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ऑफ पुरुष प्रधान समाज के रबर स्टाम्प की तरह इन्होंने काम किया है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। 73rd और 74th अमेंडमेंट को शो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेस बना है, इसके आगे फिर ये डेवलप हुआ है, ऑफ सोसाइटी। आगे हमने कहा, लेकिन इस ऐतिहासिक कदम ने महिला आरक्षण के लिए नींव का पत्थर डाला था, ये इंपॉर्टेंट लाइन, इस ऐतिहासिक कदम ने, दिस हिस्टोरिकल स्टेप हैड, बड़े आराम से, दिस हिस्टोरिकल स्टेप हैड पुट, डाला था या रखा था, एक ही बात है, लेट करना, पुट ए कॉर्नर स्टोन, नींव का पत्थर, कॉर्नर स्टोन, नींव का पत्थर, पुट यानी रखा था, डाला था, काहे के लिए, बोले साहब इस महिला आरक्षण के लिए, फॉर विमेन रिजर्वेशन, इसका नींव का पत्थर बना था, फॉर विमेन रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, वुमेन रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। और क्या हुआ था वो देखिए आप, और एक शानदार पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई थी, एंड से जोड़ दीजिए, एंड प्लेड, प्लेड वो V3 से जुड़ा हुआ है, प्लेड इसी से कनेक्टेड है, प्लेड क्या, प्लेड ए वाइटल रोल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, वाइटल रोल ऑफ किसका, गजब के पथ प्रदर्शक का, ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस शानदार, गजब का, टॉर्च बियरर, ट्रिमेंडस टॉर्च बियरर, शानदार पथ प्रदर्शक की इन्होंने भूमिका निभाई थी इस वाले रिजर्वेशन में। हम वहां से हमारी कहानी को क्रिएट करते हुए आ रहे हैं, जो शो करना बहुत जरूरी है, जो आपका यहाँ पर मेंशन करना बहुत जरूरी है।